रामपुर की रणभूमि में सबसे बड़ी लड़ाई, आजम खान की आन पर कौन सी बात आई, अखिलेश के अग्निपथ पर आजम की अग्नि परीक्षा, सुलगते सवालों के चक्रव्यूह से आजम का सामना, सबसे बड़े चुनावी सेंटर से सबसे दमदार इंटरव्यू, एबीपी गंगा पर आजम खान सुपर एक्सक्लूसिव। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक उपचुनाव की चर्चा बहुत ज्यादा है, वो उपचुनाव है रामपुर का। और इस वक्त पूरे प्रदेश के केंद्र बिंदु में इस वक्त है मोहम्मद आजम खान साहब, जो हमारे साथ मौजूद है। आजम खान साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। 27 महीने की जेल के बाद आज आप एबीपी गंगा के सामने हैं। सबसे पहले तो आपकी सेहत के बारे में पूछूंगा, सेहत ठीक है आपकी? ठीक तो नहीं कह सकते, बहरहाल जिंदा है। आजम खान साहब, ये बताइए कि जो 27 महीने, इससे पहले भी आप, जहां तक मेरे जहन में जो हमने पढ़ा कि इमरजेंसी में आप आपातकाल में थे 2 साल, लेकिन वो वक्त कुछ और था, वो वजह कुछ और थी। इस बार जिस हालात में जो 27 महीने आपने बिताया, मैं चाहता हूँ कि वो बताएं जरूर आपकी, वो कैसे थे? बताने के लिए तो बहुत कई महीने चाहिए आपको जी, कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी जाएंगी भी, मैं खुद भी इस पर लिखूंगा। लेकिन इतना आपकी जानकारी में ज़रूर होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आपके सुनने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये इंटरनेशनल लॉ है कि किसी को तन्हाई की कैद में 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता जी। इंडियन लॉ भी है। ये कानून क्यों बदला था? ये कानून इसलिए बदला था कि गैर इंसानी कानून था जी। जब दुनिया गुलाम थी, कहीं राजाओं की, कहीं बादशाहों की, कहीं तानाशाहों की, तो उनके जो मजालिम थे, या अंग्रेज़ों के जहाँ जहाँ साउथ अफ्रीका या हिंदुस्तान जहाँ उनकी हुकूमतें थीं जी, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ या जिन्होंने उनकी सत्ता को चैलेंज किया था उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए थे जी। और उस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो, उसे इंसानों से हटाकर बेजान दीवारों के बीच एक 8x11 की कोठरी में बंद कर दिया जाए जी, और वहाँ 13 और कोठरियाँ ऐसी ही हों। और ये वो कोठरियाँ थीं जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को जो मुजरिम होते थे या जिन्हें आज़ादी का नारा लगाने की सज़ा मिलती थी जी, उन्हें कैद किया जाता था सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जी, क्योंकि वो भी उससे ज़्यादा तकलीफ वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहाँ 27 महीने वहाँ पीछे के दरवाजे से निकाल कर फिर उन्हें फांसी दे दी जाती थी जी। पहले वो बैरिक्स में रखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए उन कोठरियों में लाया जाता था। उनके साथ भी वो बर्ताव नहीं हुआ था जो 27 महीने हमारे साथ हुआ, अपने ही वतन में, अपने ही लोगों के हाथों से। और इसलिए कि ना हम पाकिस्तानी एजेंट थे, ना अभी तक साबित हुए हैं, ना हम देशद्रोही थे, ना साबित हुए हैं, ना हमारे पास नाजायज़ दौलत थी वो साबित हुई है, ना हमारे पर करप्शन का, इतने मुकदमों के बावजूद भी रिश्वत या करप्शन का कोई एक मुकदमा भी नहीं। आजम साहब, जो मुकदमे आप पर दर्ज, मुर्गी चोरी के जी, दफा है डकैती की जी, बकरी चोरी के दफा है डकैती की, भैंस चोरी के दफा है डकैती की, किताब चोरी के दफा है डकैती की, फर्नीचर चोरी के दफा है डकैती की, और मैंने नहीं की, मैंने कहा कि जाओ ये काम कर लो। मंत्री रहते हुए मैंने, मेरी बीवी ने और मेरे बेटे ने शराब की दुकान लूटी है, ये मुकदमा है हम पर। बोतलें लूटी हैं हमने शराब की जिससे सिगरेट नहीं पिया, और 16,000 रुपये गल्ले से लूटा है। अफसोस इसका नहीं है कि हम पर क्या हुआ, अफसोस इसका है कि करने वालों का स्टैंडर्ड क्या था, उनका स्तर क्या था, दुख इसका है। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ मैं
मुझे मार दें तब भी फाउंडर रहूंगा, इसे खंडहर कर दें गिराकर तब भी फाउंडर रहूंगा जी। मैं 4 बच्चों के स्कूलों का फाउंडर हूं CBSE बोर्ड के, जहां 20 रुपए फीस है उन बच्चों की जिनके माँ बाप नहीं हैं या रिक्शा चलाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनकी कोई फीस नहीं है। आजम खान साहब, ये बताइए कि आप पर ही क्यों इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए, आजम खान ही क्यों? आप बताइए क्यों? आपको क्या लगता है कि क्या वजह? मेरा वतन है हिंदुस्तान, बस यही वजह हो सकती है। ईडी वालों ने 5 दिन मुझसे पड़ताल की जेल में, जबकि मैं बैठ नहीं सकता था, 8-8 घंटे मुझे बिठाला, कोरोना की बीमारी से वापस लौटा था। मैंने कहा कि कैमरे लगाकर बात कीजिए मुझसे, जी नहीं मानी उन्होंने मेरी। सवालात ये थे कि विदेशों में आपके कितने होटल हैं जी, कितनी कोठियां हैं विदेशों में आपकी, कितने बैंक बैलेंसेस हैं जी। तो मैंने बतलाया कि मेरे 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक पार्लियामेंट का क्योंकि मैं MP रहा हूँ, और दूसरा विधानसभा का, इसके अलावा मेरा तीसरा कोई ज़ाती अकाउंट नहीं क्या पूरी दुनिया में। मुझे तुम्हारे सवालों पर अफसोस नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हूँ। तो आजम खान साहब, ये बताइए कि देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक द्वेष, मतलब ये तमाम जो बातें पॉलिटिकल सर्कल में कही जाती हैं, ये हर दौर में रही है, ऐसा नहीं है कि किसी दौर में नहीं रही है, लेकिन खास तौर पर जैसे मैं अब्दुल्ला की बात करूँ, आपकी पत्नी, उन पर भी मुकदमे, इस स्तर की मरी हुई माँ पर मुकदमा, 5 किताबों की राइटर मेरी बड़ी बहन जो माँ की उम्र की है उसे, जो चल नहीं सकती है अपने पैरों से, नमाज के मसल्ले पर बैठी थी, पुलिस घसीट कर उन्हें जीप में डाल कर ले गई। मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई, उन पर 307 का मुकदमा, ये इस तरह होगा। इस देश में दूसरा राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए आज़ादी के बाद, पूरे दावे से कहता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं होगा जिस पर इतने घिनावने मुकदमे और इतनी तादाद में मुकदमे हों। और मुकदमों की रफ्तार यह है कि हर 3 मिनट पर एक मुकदमा लिखा गया है। मैं भूमाफिया हूँ, 4.25 बीघा ज़मीन जिसमें से 2 बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है, और 2.25 बीघा ज़मीन का उन मालिकों को भी नहीं मालूम कहाँ है, मैं माफिया हो गया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला 2.25 बीघा ज़मीन छीनेगा किसी से, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। और मुझे तो इस बात पर अफसोस है कि देश के गृह मंत्री की ये जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल फेल्योर है मेरे मामले में। उन्हें ये मालूम नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं भू माफिया हूँ, क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ। माफिया नंबर 1 पर मेरा नाम लिया जाता था, याद है ना आपको, आज़म खान नंबर 1, मुख्तार अंसारी 2, और अतीक अहमद 3। तो अगर ये हमारी इंटेलिजेंस का हाल है तो फिर जो कुछ हो रहा है फिर हमें क्या शिकायत है। यह है इंटेलिजेंस हमारी, गृह मंत्री की यह जानकारी है हमारे बारे में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा 1 या 2 मुकदमे सही हो सकते हैं, 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। तो आजम साहब, मुझ पर किसी का एहसान नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बचाया है जी, मेरे मालिक ने और सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, वरना मैं मर गया होता, वहाँ मैं शायद इस दिन तक होता ही नहीं, मेरी ऐसी हालत थी। आजम खान साहब, जो हिम्मत होती है वो बहुत बड़ा सबल तो है ही, लेकिन क्या टूटे, कभी ऐसी स्थिति आई हो कि लगा हो कि नहीं अब सब टूट रहा है, सब खत्म हो गया है इन 27 महीनों में? देखिए, मैं कोई टूटा हुआ जाम तो था नहीं, नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में समोए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं क्या आस लगाए बैठे हो। मैं शीशे का जाम नहीं था जो टूट जाता, मैं मुकम्मल इंसान था और मेरे दामन पर कोई दाग नहीं था, आज भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इमरजेंसी की भी 2.25 साल की जेल काटी थी, तब भी मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी जी, क्योंकि मेरा गुनाह नहीं था। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री होते थे, माफ़ीनामा भेजा गया था जी, लेकिन कोई गुनाह होता तो मांग लेता, आज भी अगर कोई गुनाह है तो मांग लूँगा, कोई जिद नहीं है मेरी, कोई जिद नहीं है। क्या आपको, जो आप इतने मुखर रहते हैं, अभी भी रहते थे, उसकी सजा ये मिली? कोई बुरी बात बताइए मुखर रहने में? बाबरी मस्जिद मूवमेंट चलाया, कभी रामचंद्र जी को, सीता जी को, कृष्ण जी को, या किसी हिंदू देवी देवता भगवान की शान में कोई एक लफ्ज़ कहा हो, हमारा सर कलम कर दीजिए आप जी, क्या हमारा दिल नहीं दुखेगा जब हमारे प्रॉफिट की तौहीन की जाएगी? यही होंगे इंसानी रिश्ते, इसी तरह हम मुल्क को एक रखेंगे।
आजम खान साहब, फिर से वही सवाल। आपने हालांकि मुझे थोड़ा सा जवाब भी दिया उसका, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, किस इतने मुकदमे सिर्फ और सिर्फ आप पर और आपके परिवार पर? क्योंकि राजनीतिक अदावत तो और लोगों से भी हो सकती है, लेकिन क्या आजम खान इतना बड़ा रोड़ा किसी को लग सकते हैं? दो विश्वविद्यालय बने इस देश में आजादी से पहले जी, जो कि कॉलेजेस थे जी, बिल्कुल। एक था बनारस BHU और एक और दूसरा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ जी, जो सर सैयद ने बनाया। एक मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया जी, बिल्कुल। आजादी के बाद सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में बनी जी, पूंजीपतियों ने बनाई, उनका बिजनेस था जी, आज भी हैं। लेकिन दामन फैलाकर, प्याला ले जाकर, भीख मांगकर, रोकर जी, मैंने चंदा मांगकर विश्वविद्यालय बनाया, जो आज़ादी के बाद पहला विश्वविद्यालय और शायद आखिरी है अब तक का जी। और विश्वविद्यालय भी बहुत शानदार बनाया है, आप देखेंगे आपका दिल खुश होगा जी, बिल्कुल। मैंने जो स्कूल बनाए हैं यहाँ, सेंट मैरीज, मोदी और सेंट पॉल के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, मेरा 20 रुपए की फीस का बच्चा टॉप करता है, हर बच्चे टॉप करती है। सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी या जिसका इरादा उनका था, वो उनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ जी। उनके इंतकाल के तकरीबन 24 बरस बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाया जी। आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ ये काम, दोनों यूनिवर्सिटीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, जो जाति लोगों ने तैयार की थी जी। मदन मोहन मालवीय जी को जो ज़मीन मिली थी वो राजा साहब ने दी थी जी, बिल्कुल। सर सैयद अहमद ख़ान को जो ज़मीन मिली थी वो नवाब छतारी ने दी थी जी। लेकिन मैंने जो ज़मीन ख़रीदी है उसके एक एक इंच का पैसा भरपूर दिया है और चेक से दिया है, ड्राफ्ट से दिया है। उसके बाद भी मैं बने गया 4.25 बीघा, जिसमें सिर्फ 2 बीघा बचता है, 2.25 बीघा 2 बीघा दीवार के बाहर है, उसके लिए मैं माफिया कहलाया गया है। ये न्याय मेरे साथ, ये न्याय है, ये है गुनाह दरअसल मेरा। मेरा घर गली में क्यों है, आलीशान कोठी क्यों नहीं है, शान व शौकत क्यों नहीं है, ज़िंदगी अय्याशाना क्यों नहीं है, आवारगी क्यों नहीं है, मैं बार क्यों नहीं जाता हूँ, मैं डांस क्लब क्यों नहीं जाता हूँ, मैं इतनी बार चुना गया और अभी तक कुर्ता पजामा और बंडी में हूँ और गली में रहता हूँ, जिसमें हवा नहीं आती, ऐसे घर में जिसका कोई लॉन नहीं है, जिस घर में गैरेज नहीं है, यह है गुनाह हमारा। जो लोग हमसे, आप जैसे भले लोग मिलने आते हैं, वो जो मुमताज़ पार्क था जिसका नाम बदल दिया गया है, नाम ही बदले गए हैं, यहाँ ईंटें उखाड़ी तो गई हैं, लगी एक भी नहीं है अभी तक। लोग उस मुमताज़ पार्क के गेट पर जाकर घंटी तलाश करते थे कि ये आज़म खां का घर होगा, तो लोग कहते थे ये आप क्या ढूंढ रहे हैं, समझ जाते थे। उन्होंने कहा भाई वो कोई बैल नहीं है ये आज़म खां का, वो कहा नहीं ये नहीं है, गली में जाइए। तो उनका वहाँ तक तो कार नहीं जाएगी, तो उनका नहीं पैदल जाएंगे, यह है गुनाह। आजम खान साहब, देखिए जब मुश्किल वक्त में होता है और आज भी है जी, मैं जमानत पर हूँ, बरी नहीं हुआ जी, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल मुश्किल वक्त में, और आपने तो संघर्षों से आप बने हैं, और कहते हैं अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं एक शब्द का कि ये हमारे संघर्षों के साथी हैं। तो जब आजम खान इस 27 महीने में जब संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का साथी कौन? संघर्ष नहीं कर रहे थे, जुल्म सह रहे थे, वो संघर्ष नहीं था। तो उस संघर्ष कोठरी में बंद करके थोड़े होता है जी, कोठरी में बंद तो वो करता है जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है मुकाबला करने की, मैदान में होता है संघर्ष, वो होने वाला थी। 8x11 की कोठरी में बंद कर दिया था, तब भी इस जीवन में सबसे ज्यादा वोटों से जीता था जी, और इंतजार है, पता नहीं क्या जुल्म फिर शुरू हो जाए। साथियों की अगर बात करें तो सब साथ दिया लोगों ने आपका, जब आप 27 महीने जेल में थे आजम खान साहब, हालांकि आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। साथ ना दिया होता तो आप जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं वो शायद बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं जी, वो मेरा इस तरह ना कल था ना आज है, मैं छोटा सा वर्कर,
छोटा सा एक शहरी हूँ, छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे से काम करता हूँ। मेरी वो औकात कभी रही नहीं जो मैं किसी से शिकवा करूँ, इसकी मेरी आदत भी नहीं। शिकायत करता हूँ तो अपने मालिक से, बस मेरी किसी से नाराज़गी नहीं। क्या हक है नाराज़गी का, जब अपने ही वतन में मेरे साथ ये सलूक हुआ, मेरे सगे चचा पाकिस्तान में, मेरे मामूजात फूफीजात भाई पाकिस्तान में, क्योंकि बंटवारा हुआ था, एक ही जिस्म बटा था जी। मेरी सगी बहन पाकिस्तान में भी आई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ईमान हुआ आपसे कहता हूँ कि मैं अपने भांजों की शक्ल नहीं पहचानता, क्योंकि मैं उन्हें हिंदुस्तान आने नहीं देता और पाकिस्तान में कभी गया नहीं, क्योंकि बगैर जाए पाकिस्तानी एजेंट कहलाता हूँ, अगर चला गया तो न जाने क्या हो जाए। मगर ये वतन है मेरा और इसे मेरे अजदाद अपनी पसंद से रुके थे, अपनी मर्जी से रुके थे। आपको हक नहीं था पाकिस्तान जाने का, क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि ये हमारा वतन था। तो आज भी आपका वतन है आजम खान साहब? हाँ, और रहेगा हमेशा? यकीनन है, लेकिन हम वतनों जैसा सलूक तो नहीं हो रहा है। कैसा ही हो रहा है हमारे साथ, हमें जिंदा मार दिया, हमारे पूरे परिवार को मार दिया। एक प्रोफेसर औरत को एक साल तक जेल में बंद रखा, सी क्लास की दाल के पानी और रोटी के साथ, कैसे ही। मासूम बेटा मेरा बंद रहा 1.5 बरस 2 बरस, ये सही हुआ। पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया, आज भी सैकड़ों हजारों लोग मुलजिम हैं। लूट खाया पुलिस ने, सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपया यहाँ से लूट लिया, पूरी यूनिवर्सिटी लूट कर ले गए। आज मैंने लाइब्रेरी स्टाफ को बुलाया था, एक भी रजिस्टर नहीं है, सारे रजिस्टर पुलिस ले गई, किताबों के रिकॉर्ड के रजिस्टर्स। अरे साहब, किताब चोरी करने वाले इतिहास पुरुष बने हैं, दुनिया उनके सामने सर झुकाती है जिन्होंने किताबें चुरा कर पढ़ा है। मैंने अगर किताबें चुरा कर बच्चों को पढ़ाया है तो इस पर तो फख्र होना चाहिए कि एक ऐसा चोर भी है देश में जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें चुराता है। आजम खान साहब, ये बताइए कि आपके अगर जीवन को देखें, आपने संघर्ष किया, देखिए आप इस रामपुर में आप आए, आपने रामपुर को जाना जाता नवाबों से, आपने उनकी आज़ाद हिंदुस्तान था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको चुनौती दी उनकी और उनको राजनीति में हाशिए पर लाकर आपने खड़ा किया। ये आपकी हिम्मत थी, देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी लड़ाई एक तरह से कहा जाए पूरी हुकूमत से लड़ाई चल रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू कि हर बार किसी हुकूमत से लड़ाई नहीं जी। मैं तो बहुत छोटे से शहर में गरीबों के लिए, उनकी हकूक के लिए थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मैं हुकूमतों से लड़ने के काबिल कहाँ हूँ, ना मैं लड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा और क्या फनाह किया जाऊंगा। देखिए जहाँ तक नवाबों का मामला है जी, देखिए क्योंकि नवाब अंग्रेजों के कारिंदे थे, जैसे जमींदारों के कारिंदे होते थे, जमीन की रखवाली करना, उसका टैक्स वसूल करना और मालिक को देना। तो ये जितने नवाब थे ये अंग्रेजों के एजेंट्स थे, और ये कहाँ चाहते थे देश आज़ाद हो? अगर ये देश की आज़ादी चाहते तो नवाब राजे कहाँ रहते? ये नवाब इसीलिए रहे कि देश गुलाम रहा जी, और ये आज भी इसके खिलाफ हैं, ये चाहते हैं आज भी नवाबी वापस आ जाए। तो मैंने यहाँ के उन गरीब लोगों को जो नवाब के आगे सात सलाम झुक कर किया करते थे, अपनी 45 साल की कोशिश में इसके लिए मजबूर कर दिया है कि वही नवाब आज मेरे रक्षा वाले को झुक कर सलाम करते हैं, और नहीं करेंगे तो ये जो 3,000 वोट मिले हैं ये भी नहीं मिलेंगे, और पता नहीं ये 3,000 वोट किन के मिल गए। इस बार तो सुना है यहाँ के जो नवाब खान है उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन हम करेंगे इस उपचुनाव। अरे तो अंग्रेजों के एजेंट से तो बेहतर है ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे भाई, आज भी हैं, आज भी इनके लिंक्स वही हैं, तो उससे तो बेहतर है कि लंदन से कोई फरमान आए और वो लागू हो जी। लेकिन एक घर में एक औलाद बीजेपी की है और बाप कांग्रेस का है, और एक बड़ी भी हैं घर में, वो भी राय मशवरा दे देती हैं, उन्हें भी अपनी आखिरत
याद नहीं है, जबकि ये उम्र होती है कि अल्लाह अल्लाह करें, अपनी अमाल सही करें, दुरुस्त करें। तो तौबा की भी नौबत उनकी नहीं आई है, अभी एहसास भी पैदा नहीं हुआ है तौबा करने का। तो आजम खान साहब, देखिए हम उपचुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सब जानते हैं कि वो भी एक तरह से कभी आपके ही साथ थे, वो भी आप ही के, मतलब आप ही ने उनकी राजनीति में उनको आगे किया। जी, उनके टिकट में देर हो गई थी जी, तो मैंने हेलीकॉप्टर से टिकट मंगवाया था जी। बरेली टिकट हेलीकॉप्टर से आया था, अब वो MLC बन गए, 2 रुपए भी नहीं लगे उनके जी। तो बहरहाल वो राजनीतिक की पार्टियों से वफा करने वाले लोग हैं जी। तो अब पहले बसपा में थे, फिर हम जैसे अहमक मिल गए उन्हें, उन्हें समाजवादी बनाकर हमने MLC बना दिया। आपने हकदारों का हक काट लिया सिर्फ इसलिए कि मैं बंटवारा सब में चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख जाति जी, हर जाति के लोगों को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति के थे और उन लोगों का कोई यहाँ पर किसी नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं था, कोई MLA नहीं था, कोई MP नहीं था, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने उन्हें MLC बनाया था। बहरहाल उन्होंने जो किया ठीक किया। जीत पक्की है आपके प्रत्याशी आजम खान साहब? देखिए, जब 3000 वोट पाने वाला भी ये कहता है कि मैं ही जीता हुआ हूँ, तो मुझे तो शायद ज़्यादा हक है कहने का। अच्छा आजम खान साहब, एक बात बताइए, आप अभी आप कह रहे थे बातचीत में कि आप अकेले थे, तन्हा थे बिल्कुल, जब 27 महीने, उसमें कोई शक और शुभा नहीं है, लेकिन आपको पता है जब यहाँ बाहर क्या स्थिति थी, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका कौन कौन आपका मुरीद है। बहन जी कह रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, बहुत गलत कर रही है सरकार, असदुद्दीन ओवैसी और ना जाने कौन कौन इस तरह की बातें कह रहे थे। तो इन ये जो नए साथी जो आए, चाहे मायावती हो, देखिए मैंने अपने इन पर क्या कहना है? ना ना, देखिए मैंने उन 7 महीनों से पहले के राजनीतिक दौर में भी कभी इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी ना बात कही, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट शुरू किया, ना कि मैं इन लोगों को कमज़ोर करूँ जी। अच्छे रिश्ते रखना चाहे, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था, मायावती साहिबा रामपुर तशरीफ लाई थी, अखिलेश जी भी उस दिन आए थे, तो क्योंकि मेरे ऊपर उनका एक अखलाकी फ़र्ज था, मेरे लिए कहाँ मुमकिन था कि जब उन्होंने मेरी इस तकलीफ़ में मेरी हिमायत की तो मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा नहीं करता। आखिर इसकी भी क्या वजह थी कि मैं उनसे कोई एतराज़ करता? उन्हें यकीन महसूस हुआ होगा, जबकि लोग उनके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, आज भी और कल भी कहा था जी, जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कहा मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ओवैसी साहब के बारे में भी लोग न जाने क्या क्या कहते हैं जी, लेकिन उन्होंने भी हिमायत की, कांग्रेस के लोगों ने भी की, दिग्विजय सिंह साहब ने की और लोगों ने की, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये सब चीज़ें थोड़ी सी राजनीति से शायद हटकर हों। ठीक है आजम खान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और केंद्र बिंदु में आजम खान साहब से बेबाक बातचीत जारी है इस ब्रेक के बाद। आजम खान साहब, आप नाराज थे क्या अखिलेश यादव से? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हो सकता है कहीं ना कहीं दिल को किसी बात से ठेस लगी हो। आपके महबूब नेता मुलायम सिंह यादव, क्या उन्होंने 27 महीनों में आपका हालचाल किसी के जरिए तो जाना होगा? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मतलब ये स्थिति हो गई थी, हमने कहा कि आजम किस किस के हैं, मैंने एक प्रोग्राम चलाया बाकायदा कि किस किस के आजम, सब मतलब एक होड़ सी मच गई थी। शिवपाल यादव साहब आपसे मिलने जाते हैं, सपा का एक डेलीगेशन गया, उससे आप हालांकि नहीं मिले थे उस वक्त। मेरी तबीयत, रविदास मेहरोत्रा उसमें गए थे उस दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जी। तबीयत उस दिन भी ठीक नहीं थी जिस दिन शिवपाल जी आए थे, लेकिन शिवपाल जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और जाहिर है मैं समझ रहा था जी उनके आने से क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या मेरा संदेश कहीं तक जा सकता है, तो मसलहतन भी मेरे लिए उनसे मिलना बेहतर था। और वो अगर वापस जाते तो आम जनता में और आप जैसे साथियों में उसका संदेश शायद ज़्यादा बुरा जाता जी, और मैं उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहता था।
अपमानित मैंने रविदास जी को भी नहीं किया, मेरे साथी हैं, मेरे साथ मंत्री रहे हैं जी। लेकिन उस दिन शायद आपको जब जिस दिन मैं छूटा हूँ तो मैं चल भी नहीं पा रहा था जी, मुझे ध्यान में, और ये उससे चंद रोज पहले की बात है। गालिबन उस दिन मुझे बहुत लूज मोशंस हो गए थे, क्योंकि वहाँ जो खाना मिलता था उससे बुरा बस जहर ही हो सकता था, बाकी वो खाना नहीं था, वो दाल के पानी से रोटी खाते थे जी। सेहत बहुत मुतासिर थी। अब इतना बड़ा डेलीगेशन आता, पता नहीं उससे क्या क्या बातें होती, तो मैं नहीं मिल सका था, कोई उसकी वजह नहीं है। आजम खान साहब, आप नाराज़ थे क्या अखिलेश यादव से? सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, क्योंकि हमने खूब खबरें चलाई कि आजम खान, क्योंकि देखिए हम लोग राजनीतिक व्यक्ति की बड़ी सारी चीज़ें उससे जो संदेश मिलते हैं, तो हमने चलाया, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने अपने चैनल पर चलाया। बहुत देखता था आपको जी, मुझे परमिशन मिल गई थी कि अपना टीवी खरीद कर लगा सकता हूँ, तो मैं देखता था जी। दरअसल ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार बन जाए जी। जाहिर है जो भी राजनीतिक दल चुनाव में होगा, मैदान में होगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आज भी आमने सामने का मुकाबला है। दूसरे राजनीतिक दल कहाँ खड़े हैं आप जानते हैं। दिल से चाहता था कि सरकार बने, और उसके लिए हमसे चाहे कुर्बानी मांगी जाए या ना मांगी जाए, हम कुर्बानी दें। हो सकता है कहीं ना कहीं दिल को किसी बात से ठेस लगी हो, लेकिन उस ठेस का मतलब ये नहीं था कि मैं मुखालिफ हो जाऊंगा। लोग बहुत कुछ कयास आराइयाँ कर रहे थे कि मैं जेल से निकलने के बाद कोई बड़ा इनकलाबी फैसला लूँगा जी। क्या फैसला लूँगा इनकलाबी? हम आपको इनकलाबी शख्सियत मानते, इसलिए हम कयास लगा रहे थे कि बड़ा फैसला लेंगे आप। क्या वो फैसला सही होता? कोई इनकलाबी फैसला लेकर क्या मैं सही करता? मेरी हो सकता था कुछ देर के लिए बहुत शोहरत बढ़ जाती, बहुत से टीवी चैनल्स मेरे लिए आते, यहाँ मेरे इंटरव्यू लेते, लेकिन वो 5-10 दिन के बाद सब ख़त्म हो जाता। और कितना बड़ा नुकसान हो जाता उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको भी महसूस करना चाहिए। इनकलाबी फैसले तो हालात खुद करा देते हैं जी। जब इमरजेंसी लगी तब हम ये समझते थे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हटेगी ही नहीं जी। और ऐसा ही हमें जेल में पता चलता था कि घी में पॉइजनिंग हो रही है, दूध में पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, और अब कभी छूटना नहीं है, कभी नहीं निकलेंगे। हमारी तो जवानी भी नहीं थी, नौजवानी थी जी, और इस बात के लिए तैयार थे कि बहरहाल अगर ज़िंदगी जेल में ही कटना है तो जेल में ही गुजारेंगे। लेकिन इनकलाब आया, एक बिस्तर पर लेटे हुए बूढ़े बीमार शख्स ने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण जी, जी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हो सकता है फिर कोई बीमार। देखिए आजम खान साहब, आप भले ही आपने भी बात की चर्चा में कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं और ये तमाम चीज़ें ठीक है, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इतनी बड़ी पार्टी आप लोगों ने खड़ी की अपनी मेहनत से आप लोगों ने, लेकिन देखिए राजनीति का छात्र होने के नाते मैं इस बात को बड़े साफ तौर पर कह सकता हूँ कि आजम खान फैक्टर को जिस सरजमी पे आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इस इलाके में, आसपास के इलाकों में, उस फैक्टर से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक पंडित, कोई नेता। और आजम खान का क्या रसूख है पार्टी में, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चाहे हम राज्यसभा चुनाव में कपिल सिब्बल साहब को टिकट मिला, लोकसभा चुनाव में आपने प्रत्याशी घोषित किया, तो कुल मिलाकर आजम खान फैक्टर से कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भले ही अपने आप को कुछ कह लें कि मैं कार्यकर्ता हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मेरा जो सवाल है इसको सुनिए आप। इससे पहले मैं लंबे सियासी पास्ट में जी इतनी भी औकात नहीं होगी जी, अगर इतनी भी औकात नहीं होगी तो फिर जी के भी क्या करेंगे जी, इतनी तो रहना चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को बाकी लोग समझ रहे थे जो आपकी तारीफ कर रहे थे, और शायद जो जिनसे आप नाराज थे उन्होंने भी समझ लिया। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ आजम खान साहब? नाराज तो किसी से था ही नहीं, कोई वजह ही नहीं थी नाराज होने की। मायूस हो सकता हूँ कुछ बातों को लेकर,
नाराज कैसे हो जाता? ठीक बात। क्योंकि इस घर को मैंने ही तो बनाया था, इसे गिरने कैसे देता? आजम खान साहब, एक बात और मुझे बड़ी अटपटी लगी। ठीक है, अखिलेश यादव हैं, उनका मिलना आपसे, मिले नहीं मिले अब उनका मसला है, आप क्यों नहीं मिले वो आप जानते हैं, या वो क्यों नहीं गए वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन नेताजी की अगर मैं बात करूँ, आपके महबूब नेता मुलायम सिंह यादव, क्या उन्होंने 27 महीनों में आपका हालचाल किसी के जरिए तो जाना होगा? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी के जरिए भी हालचाल नहीं जाना आजम खान साहब? जैसे कोई वहाँ कोई मिलने का प्राविधान ही नहीं था। कोरोना में मुलाकातें बंद थी, चंद रोज़ के लिए खुली, मेरी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की मुलाकातें बंद थी। यानी मैं तो इतना जालिम साबित हुआ था कैदियों के लिए, कि कैदी जानते थे, खुद मेरी जेल में भी तमाम कैदी जानते थे कि मेरी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, क्योंकि लोग मुझसे मिलने आते थे इसलिए मुलाकात बंद थी। फिर बहुत दिन बाद मुलाकात की इजाज़त भी मिली, तो एक हफ्ते में एक शख्स कोई मिल सकता था जी। फिर मेरी वो मुलाकात भी बंद कर दी गई थी, तो जब मुझसे कोई मिलने आ ही नहीं सकता था तो पैगाम कैसे आता? पैगाम रसा कौन होता? पैगंबर कौन होता? तो कैसे शिकायत करूं? किसी से कोई शिकायत नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बड़कपन नहीं है, ये बिल्कुल बड़कपन नहीं है जी, बिल्कुल एक सच्चाई है। शुरू से यही मिजाज रहा है। मैंने चौधरी साहब के साथ था क्योंकि मुलायम सिंह जी उनके साथ थे जी। चौधरी साहब बहुत इज्जत करते थे जबकि मैं उनसे बहुत छोटा था जी। कुछ ऐसे वाकयात हैं जिस पर आप अलग से इंटरव्यू करेंगे तब बताऊंगा, सिर्फ चौधरी साहब का। मुलायम सिंह जी उनके देहांत के बाद अलग हुए, मैं मुलायम सिंह जी के साथ चला गया। उसके बाद मैंने कहाँ कोई कश्ती बदली, दूसरी कश्ती की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन आपको तो लोगों ने ऐसी कोशिश की कि कश्ती से उठा के फेंक दिया जाए। 2007 के दौर की बात करूं मैं, अगर उस दौर की बात करूं, बार बार मैं वही कह रहा हूं कि हर बार केंद्र बिंदु में आजम खान ही क्यों, समाजवादी पार्टी के भीतर भी बाहर भी। ये फरमा रहे हैं कि कश्ती से उठाकर फेंक दिया जाए, तो पता नहीं किस कूड़े में फेंकते, नहीं फेंक पाए, आग में फेंकते, किस समुद्र में डूबोते, वो नहीं डूबो। तो मैं क्यों अपने ऊपर हाथ डालने देता जी? मेरी कश्ती ठीक थी जैसी भी थी, अगर छोटा मोटा सुराख उसमें हो भी गया था तो मैंने उसे अपनी हथेली से रोक दिया था, पानी नहीं आने दिया था। आजम खान साहब, जहाज हमेशा बड़ा डूबता है जी। टाइटैनिक बनाने वाले ने यह कहा था कि नऊज़ु बिल्लाह, अगर खुदा भी चाहे तो इसे नहीं डूबो सकता, और यही बात कुदरत को नापसंद आ गई और पहले ही सफर में वो जहाज तबाह भी हो गया और डूब गया। कश्ती कभी डूबती नहीं सुनी होगी आपने, कश्तियाँ बहुत मुश्किल से डूबती हैं। तिनका कभी समंदर में डूबता सुना है आपने? मैं तिनका हूँ, कश्ती भी नहीं। आजम खान साहब, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, आप देखिए उस पार्टी की, आप जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी की बात तो ज़रूर करूंगा आपसे। मुझे ये जो शिवपाल यादव साहब, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनके बीच में अब दोबारा से शिवपाल यादव आया, दोबारा से वही सब चर्चाएं चली। मैं तो आज भी बेहतर रिश्ते चाहता हूँ उनके। तो आपको लगता है कि कुछ संभावना अभी भी है? बिल्कुल हो सकती है, क्या नामुमकिन है सियासत में, कुछ नामुमकिन। आप बातचीत करेंगे इस बारे में शिवपाल? यकीनन करूँगा, यकीनन करूँगा। कैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है कि अखिलेश यादव, आजम खान साहब और शिवपाल यादव विधानसभा में एक साथ बिठाए? दुआ कीजिए इसकी, मैं भी करूंगा। नहीं, दुआ तो ठीक है, लेकिन इस पर मैं तो दावा कोई नहीं कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ वो तमाम समाजवादी जो चले गए या जाने के लिए मजबूर कर दिए गए जी, उन सभी को वापस आना चाहिए, क्योंकि आज फिर एक नए समाजवाद की जरूरत है। तो इसकी कोशिश करेंगे आजम खान साहब? आप शुरू भी कर दी है? शुरू कर दी है। क्या हम ये मान के चले, हम ये खबर चला सकते हैं कि आज शिवपाल यादव से आप बातचीत कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं हुआ शिवपाल जी से शुरू कर दी है। अच्छा जी, ये लेकिन नई हवा है, नई सपा है, या क्या आजम खान और मुलायम सिंह यादव वाली सपा है ये? नहीं, वो सपा वापस आ जाए जो हमने बनाई थी, उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो चाहते हैं वो फिर कमी दूर हो। आजम खान साहब, आपने एक बात और कही थी, आपने कही थी कि अभी तक मैं एक लंबी लकीर खींच के चला हूँ, कहीं इधर उधर नहीं देखा, उसके कई मतलब निकाले गए। जाहिर सी बात है, देखिए आपके जो आप जब बयान देते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो जब उसमें कई ये कहा जाएगा, जब छायावादी तरीके से कोई बयान आता है तो कई तरह से उसकी
उसका सरलार्थ किया जाता है। देखिए आपको तो बाल में से खाल निकालनी ही है, तो मैं आपका बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या मायने निकाले हम उस बयान के, बताइए। कोई मायने, मायने यही है कि यहाँ अब दो उपचुनाव हैं पूरे प्रदेश में, 50% हिस्सेदारी रामपुर की है जी, तो यही लंबी लकीर है कि हम लगे हैं कोशिश में कि जीत लें इस चुनाव को, तो 50% के हिस्सेदार हम भी हो जाएंगे। अभी एक देश में जिस तरह की जो चर्चा चल रही है, नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, जो तमाम घटनाएं जो भी आसपास हो रही हैं, अगर अभी हम बात करें प्रयागराज की, बात करें कानपुर की, बात करें जो हिंसक घटनाएं हुई, क्या कहना आजम खान साहब? अफसोस किया जाना चाहिए, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, और जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी अफसोस करना चाहिए। किसी आज़ाद मुल्क में अपने हम वतनों के साथ ऐसा सलूक अच्छी बात तो नहीं है। बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? मैं बुलडोज़र की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, बुलडोज़र के अलावा भी, बुलडोज़र कहीं सही हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है, लेकिन तखरीब कभी तामीर की वजह नहीं बन सकती, डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होती। पर छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर, पत्थर उनके हाथ में देकर अगर बरसाए, कौन से ही कहता है उसे, और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए आजम खान साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ किसने मना किया जी, लेकिन उसके लिए बेगुनाहों के साथ। अभी मेरठ में क्या हुआ, सहारनपुर में सॉरी, क्या इस तरह अपने ही लोगों से इतनी नफरत, इतनी हकारत, जो मारने का अंदाज था और जो मारने का तरीका था और जो मारने में घृणा थी, क्या इसी के लिए अजदाद ने हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हम भी शामिल थे उसमें। जानते हैं भगत सिंह को फांसी देने वालों में जो जजेस थे, उनमें एक जज मिस्टर हैदर थे सहारनपुर के, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फरमान से इनकार कर दिया था कि मैं भगत सिंह को फांसी नहीं दूंगा। उनसे कहा कि आपको खान बहादुर का लक़ब मिलेगा, आपको सर का लक़ब मिलेगा। उन्होंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन में ये लिखा कि मैं भगत सिंह को मासूम मानता हूँ, मेरे पास चिट्ठी यूनिवर्सिटी में है, उनकी तस्वीर है, मासूम मानता हूँ, और आई एम नॉट ए बुचर, आई एम ए जज। ये कहकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उसके बाद जो साहब जज हुए वो मुसलमान नहीं थे, उनको शामली तहसील जागीर में मिली, सर का खिताब मिला उन्हें, और फिर उन तीन जजों ने भगत सिंह को फांसी दी थी। मुसलमान जज ने इस्तीफा दिया था। यह है कुर्बानियाँ हमारी। तो आजम खान साहब, अब चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में कुछ आखिरी सवाल आजम खान साहब, जो इस बार के जो नतीजे थे जिसका जिक्र आपने भी किया कि आपको भी लग रहा था कि सरकार बननी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी पूरी की, ये कैसे, अगर इतनी बुरी, अच्छा सवाल है आपका, कैसे इतना बड़ा बहुमत लेकर, इतना बड़ा मैंडेट लेकर एक पार्टी आ जाती है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सीधी लड़ाई थी सपा और बीजेपी की, और तो अगर सर लड़ाई सीधी कहाँ थी जी, लड़ाई में तो बहुजन समाज पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी जी, समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, चार पार्टियां थी जी, सीधी लड़ाई नहीं थी, सीधी लड़ाई तो अब है रामपुर में जी, चार पार्टियां थी, लेकिन नतीजे आने के बाद पता चला कि बस दो ही की लड़ाई थी। लेकिन फ़र्क यह है कि जीतने वालों से पूछता हूँ, भाई तुम जीते कैसे जी, तो कहते हैं यार पता नहीं कैसे जीते। हारने वाले से पूछता हूँ तुम हारे कैसे, तो कहता है ये नहीं मालूम हारा क्यों है। तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं जी, मैं तो जो जवाब मिला वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ बिलासपुर की सीट पर जी 12 बजे के बाद अनाउंसमेंट रोक दिया गया, और दो ही जगह पर मुरादाबाद कमिश्नर साहब तशरीफ ले गए जी, एक बिलासपुर और दूसरा शाहबाद जी, वो दोनों सीटें हार गईं, एक 100 कुछ वोट से, एक ज़्यादा वोट से। तो मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा आपसे, या इससे ज़्यादा भी जानना चाहते हैं? बाहुबली हूँ मैं, माफिया हूँ मैं, क्रिमिनल हूँ मैं,
अपराधी हूं मैं। मेरे ऊपर तो 323 का मुकदमा भी कभी नहीं लिखा गया, लेकिन 2 महीने में वीरप्पन से भी ज्यादा मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। अब कुल कितने मुकदमे आजम खान साहब? गिनती नहीं है, पूरे परिवार को मिलाऊं तो कई सौ हैं। अगर जो परिवार मेरा है, रामपुर का परिवार, उसे मिलाऊं तो कई हजार मुकदमे हैं। मुकदमे करने वालों का बड़ा दिल है, एक छोटे से आदमी पर। मैं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे यहाँ पर, उनसे भी मिला इस बार जब चुनाव में यहाँ पर आया, तो उन्होंने कहा कोई कोई और सवाल कर लीजिए जी। ना घटिया शस्त्र के बारे में मैं जवाब, ठीक है मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी की बात, बीजेपी की बात, दूसरा सवाल बीजेपी की बात करें। बीजेपी वाले एक बात कहते थे, अक्सर कहते भी थे कि भाषणों में भी कहते थे, आपने भी सुना होगा कि जब इनकी सत्ता थी तो ये लोग भी सत्ता का दुरुपयोग करते थे। कोई बीजेपी वाले नहीं कह सकते जी, सिर्फ एक गंदे व्यक्ति के अलावा जी। मुझे इतना समय ही नहीं था, कोई एक भाई बहन बीजेपी का मेरे यहाँ मेरे खिलाफ ना बयान दे सकते हैं, ना उनकी कोई शिकायत है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाँ नवाब परिवार से जरूर मेरा नजरियाती इख्तलाफ रहा है उनके जुल्म की वजह से जी। बाकी मैं सताने की ताकत ही नहीं रखता था, मैं तो लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत की ताकत रखता था। मैं तो ऐसे लोग जिनके करीब से भी आप नहीं गुजर सकते, इतनी बदबू पसीने की आती हो और इतने गंदे आपके कपड़े लगते हों, उन्हें सीने से चिपटा कर रखता था। इसलिए मैं 40, 42, 43 साल से यहाँ सियासत कर रहा हूँ और कामयाब सियासत कर रहा हूँ। आजम खान साहब, जब से जौहर विश्वविद्यालय, मेरी किसी भाजपा के यहाँ वर्कर से ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना मुझे कोई शिकायत है जी। लेकिन जब से आपने जौहर विश्वविद्यालय का सपना देखा और उसको हकीकत में भी तब्दील किया, ऐसा भी नहीं है दिखता है, उस गुनाह की सजा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि बीएसपी की सरकार थी उस वक्त भी बुलडोजर पहुंचा था यहाँ पर, मुझे चला भी था, दीवारें कुछ तोड़ी गई थी जी, मगर बस उसी हद तक रहा उनका, कोई मुकदमा हम पे झूठा कायम नहीं हुआ। और पता चला ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा सुलूक हुआ हो। हाँ, मार देना था, मैंने कहा था कि उससे तो अच्छा है मुझे, जिस तरह आपने मुन्ना बजरंगी को अंदर मार दिया, उसी तरह हमें भी मार दीजिए। आपने कभी या भी करेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री से, बात करेंगे इस विषय में या और किसी से बात करेंगे? डर लगता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझसे तो कोई भी मिलने आ सकता है, मैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो क्या होगा? आप बचाने आएंगे? आप बचा लेंगे मुझे? प्रदेश के मुखिया से तो बात की जा सकती है कि इस तरह से गैर वाजिब मुकदमे अगर प्रशासन और शासन के लोग मिलकर अगर दर्ज कर रहे हैं। कोशिश करूंगा, हिम्मत करूंगा, कहीं ऐसा ना हो मिलने का एक मुकदमा और कायम हो जाए, उसमें तो जमानत भी मुश्किल हो जाएगी। आजम खान साहब, आखिर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अभी जो 24 में लोकसभा के चुनाव जो अभी होने वाले हैं, और रामपुर का ये चुनाव किसी तरह से किसी उस चुनाव का लिटमस टेस्ट है, वो बहुत मतलब, दूर की बात है, उससे कोई मतलब नहीं इसका। तो ये देश में जो अभी एक तरह से इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष या कोई दूसरी ऐसी ताकत इस वक्त है जो उसको चुनौती दे सके? कांग्रेस के पास भी बहुत बड़ा मैंडेट था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए ना। लेकिन वो तब बिखरा, जैसे जब आपने बात की, जब जयप्रकाश नारायण थे, आजम खान जैसे लोग जेलों में गए, इमरजेंसी के वक्त भी गए, तो क्या पता अभी किसको मालूम था जयप्रकाश जी का, क्या मालूम किसी बिस्तर पर कोई बूढ़ा आज भी जिंदा हो जाए, कुछ नहीं पता। और देखिए, हालात तो अच्छे नहीं हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, ना बराबरी है, ना इंसाफी है, हेट्रेड है, घृणा है। ये जो ज्ञान वापी और ये सब चल रहा है, इस पर क्या राय रखते हैं आसमान? कुछ नहीं, जो कानून काम करेगा। बाबरी मस्जिद के बारे में भी हमने यही कहा था कि अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसे मानेंगे, मुसलमानों ने माना उसे, जबकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि यहाँ कभी मंदिर नहीं था, कभी नहीं तोड़ा गया,
मस्जिद तोड़ी गई ये क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन क्योंकि हिंदू समाज की आस्था है इसलिए मुसलमानों को यह छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया मुसलमानों ने। भाईचारे की बातें दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि भाई हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए, एक बड़ा स्टेटमेंट था उनका। भाईचारा, अब हम भाई का चारा तो बन गए हैं ना, भाई का चारा है, सब चारा तो जानते हैं आप उसका क्या अंजाम होता है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, उस पर विरोध हो रहा है, क्या ये विरोध गलत है आजम खान साहब, क्या पूछताछ जो ईडी कर रही है, क्योंकि ईडी में कितने, मेरी भी तो जांच, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो जब मेरे जैसे फकीर से ये पूछा जा सकता है कि उसके कितने होटल हैं विदेशों में, कितनी कोठियां हैं विदेशों में, कितने बैंक बैलेंसेस हैं विदेशों में, तो मैं समझता हूँ ऐसे ही गुनहगार वो भी होंगे। यानी आप विरोध कर रहे हैं उस राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है, तीन जैसे लगातार तीन दिन। नहीं, मैं विरोध करूंगा तो एक मुकदमा और लग जाएगा। आजम खान साहब, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा, हम चलते चलते आप इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। सरकार कैसे चल रही है आजम खान साहब यहाँ यूपी में? सर मैं तो जेल में था, पता नहीं, ये पता है दाल का पानी मिलता था। आजम खान साहब, मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, आपने जवाब भी दिया, अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, कैमरा आपके सामने, जो भी आप बिल्कुल आखिर में आपका फाइनल कमेंट हो, मैं चाहूंगा जरूर, जो मेरा सवाल नहीं हो लेकिन जो आप कहना चाहते हैं। कभी आग से आग नहीं बुझती, कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग बुझाने के लिए पानी चाहिए और नफरत को ख़त्म करने के लिए मोहब्बत चाहिए, बस इसी मोहब्बत की ज़रूरत है। अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में मुमकिन होगा या नहीं होगा, कितनी नस्लों को इंतज़ार करना होगा, लेकिन आज नहीं तो कल इस सवाल का जवाब यही है, कभी आग से आग नहीं बुझाई जा सकती। आजम खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, और अपनी सेहत का जरूर ख्याल आप रखिए। बहुत शुक्रिया जी। तो आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम बातें कही, लेकिन अपने खास अंदाज पर कई बातों को उन्होंने छायावादी तरीके से रखा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, उनका ये कहना है कि जो जनता के लिए काम करते आ रहे थे वो करते रहेंगे, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, क्योंकि वो छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है, और साथ ही साथ उपचुनाव की जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने काम अच्छे तरीके से उपचुनाव लड़ रहे हैं और बेहतर नतीजों की उम्मीद भी करते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि जो समाजवादी कुनबे से कुछ लोग बाहर भी चले गए, दोबारा से उनको उस कुनबे में लाने की वो कोशिश करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।